हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास टेंथ के लिए फिजिक्स चैप्टर से मैं फिजिक्स चैप्टर में 1 और चैप्टर 2 का VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे और इसको हर हाल में आप याद कर लेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार होकर जाएंगे और अपने एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो अच्छी तरह से आप इसको सॉल्यूशन करके आएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आपको पता होगा ना, ये चार ऑप्शन दिए गए, तो ये सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो दोस्तों कांच में। अगला सवाल देखते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहते हैं। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट की बात किया जाएगा दोस्तों, तो बस आप मारेंगे इसका उत्तर कौन सा मार लेंगे, तो इसका उत्तर मारिएगा अवतल दर्पण, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो दोस्तों काल्पनिक होता है। तो अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा ना, डायोप्टर होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, तो किरण आरेख कहा जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर की बात की गई है, तो इसका फॉर्मूला होता है वेफ बराबर 1/p, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 मैंने लिख दिया और यहाँ पे देखिए 2 डायोप्टर है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये मीटर में होता है, 1 जो आपको दिख रहा है ऊपर ये मीटर में होता है, तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, तो यानी 101 में 100 से, तो 100 हो गया। अब इसको 2 से आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये आपका आंसर इसका हो जाएगा 50 सेमी, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो पी बराबर 1/f होता है, ठीक है। ये तो हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए तो 1 और f का मान फोकसांतर कितना है, 50, ठीक है। और इसको आपको पता है ना कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में है रहता है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको कट करिएगा तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में चल जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस में होगा तो प्लस में होगा, यानी कि 2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उत्तल की बात करेगा तो धनात्मक होता है, अगर अवतल की बात की जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। अगला सवाल देखते हैं, उत्तल लेंस किसे, उत्तल लेंस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अवतल लेंस को दोस्तों, तो अवतल लेंस को आपको कहा जाता है अपसारी लेंस, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का। तो अगला सवाल देखिए, ये क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला सवाल देखिए,
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल, राइट। अगला सवाल देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम। तो अगला सवाल देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? तो अभिलंब के निकट, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि फोटो कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। अगला सवाल देखिए कि साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है उत्तल दर्पण। अगला सवाल देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वाक्ता त्रिज्या कितनी होगी? तो इसके लिए एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, वाक्ता त्रिज्या, ठीक है। ए बराबर होता है, एक फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, एफ बराबर होता है आर बाई टू, ठीक है। तो मुझे तो आर निकालना है, तो आर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर यहाँ पे टू से एफ में गुना हो जाएगा, यानी टू एफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टू अगुने एफ का मान कितना दिया है, फोकस दूरी 10 है ना, तो 10, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी 20 सेमी, ठीक है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, 20 सेमी, ठीक है। अगला सवाल, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसको परावर्तन कोण कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ से देखिए, ऐसे कोई किरण आता है और ऐसे कोई किरण जाता है और बीच में अभिलंब होता है, तो इसके बीच में आने वाले किरण के बीच और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, आपतन कोण। और जो इधर से किरण टकरा के जो जाता है और इसके बीच में जो कोण बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। अगला सवाल, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर आप तो बता सकते हैं ना, उत्तल लेंस। अगला सवाल देखिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो बस आपको तो पता होगा ना, और इसका क्या हो जाएगा उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल। इसका आंसर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है ना। तो ये आपको पता हो गया। अगला सवाल देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो दो। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है क्या होता है? अवतल। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में प्रयोग क्या किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, इस वीडियो में इस चैप्टर से 30 क्वेश्चन था, ठीक है ना। 1 और 2 चैप्टर का मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव उठाया था, जिसमें आपका 30 तक ही क्वेश्चन इसमें है, और इसको याद कर लीजिए और अपने एग्जाम का अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं अगला सोल्यूशन लेकर आऊँगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपको